अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिन्ना न्यूज़। मैं सरदार मुमताज़ इनकलाबी आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा का इम्कान है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, कराची में गर्मी की शिद्दत इजाफे का इम्कान 12 मई के बाद शहर में दर्जा हरारत इजाफे का इम्कान है। गर्मी की लहर 17 मई तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 मई को कराची में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान मौजूद है। दूसरी जानब वस्ती और बलाई सिंध में गर्मी की लहर जारी है। ये लहर 12 मई से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी और पूरे सिंध को अपने पेट में ले सकती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दादू, जकबाबाद, लाड़काना, सखर, दीगर इलाकों में पारा 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि जेरी सिंध में दर्जा हरारत 43 से 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि इंतई गर्म और खुश्क मौसम में सब्जियों और बागात और फसलों पर दबाव डाल सकता है। किसान मौसमी हालात के मुताबिक फसलों को पानी देने का इंतजाम करें। शदीद गर्मी के दौरान तवनाई की तलब में इजाफा होगा। शहरी 11 से 4 बजे के दौरान अपने घर से निकलने से गुरेज करें। इसी के साथ आपको बताते चलें कि कराची में गर्मी की वजह से पानी की शदीद किल्लत का खतरा भी मौजूद है। नाजरीन आपको बताते चलें कि कराची में गर्मी के साथ साथ पानी की किल्लत का खतरा भी मौजूद है। वाटर सप्लाई के तर्जमान ने कहा है कि कंजेर झील में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच चुकी है और झील में पानी की सतह 56 से कम होकर 48 फुट पर आ गई है। एक बयान में असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा कि पानी का लेवल 42 फुट होने पर कराची को पानी की फरामी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कराची की झील से 1200 क्यूसिक पानी जोमिया फराम किया जाता है। इनका यह भी कहना था कि ग्लेशियर्स और बारिशों का पानी झील में न आया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है।